बाप 13। ईद फसल से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इबलीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जान कर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने न पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि यह नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदावंद, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम न हुआ कि उसने यह उससे किस लिए कहा। क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे यह कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो नवाला लेकर फिलफूर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्न आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफूर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा।
पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा।